सिर्फ एक चुटकी सुबह खाली पेट पानी में मिलाकर पी लो, आपको जिंदगी भर एसिडिटी की समस्या, पाचन संबंधी समस्या, शुगर रोग, हड्डियों की कमजोरी, अस्थमा, खून की कमी, दांतों के रोग और आंखों की समस्या कभी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग यदि आप करते हैं तो जिंदगी भर आपको डायबिटीज नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी आपके अंदर, अस्थमा नहीं होगा आपको, आंखों की समस्या नहीं होगी और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे अगर आप करते हैं इस चीज का सेवन। दोस्तों, उस चीज का नाम है हींग। हींग के बारे में आप भली भांति जानते भी होंगे। दोस्तों, आयुर्वेद में हींग को औषधि के तौर पर यूज किया जाता है जिसका हर रोज सेवन करने से कई फायदे मिलते हैं। दोस्तों, इसका अगर आप हर रोज सेवन कर लेते हैं तो आपको काफी फायदे मिलते हैं। इंग्लिश में इसे एस्फोटिडा के नाम से जानते हैं। तकरीबन हर भारतीय रसोई में ये मिल ही जाता है। इसे आप मसाला भी कह सकते हैं या फिर औषधि भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों कोई भी व्यंजन बनाने में तड़का लगाया जाता है तो उसमें किया जाता है। आयुर्वेद में हींग के कई लाभकारी फायदे के बारे में बताया गया है। कई रोगों को आप इसका प्रयोग करके दूर भगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं किन किन बीमारियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, पाचन शक्ति को आप सही करना चाहते हैं तब आपने इसका प्रयोग करना है। यदि आप 7 दिन लगातार हींग का पानी पीते हैं तो इससे आपकी बॉडी में जो बदलाव आता है वो पाचन शक्ति को मजबूत कर देता है। हींग के पानी से बॉडी में बनने वाली जो एसिड होती है वो खत्म हो जाती है। बॉडी में जो एसिड बनता है वो खत्म हो जाता है और पेट के कई रोग जैसे कि एसिडिटी, कब्ज, ये सब दूर हो जाते हैं। गुर्दों के लिए ये काफी फायदेमंद है। हींग का पानी डायबिटीज रोगियों के लिए एक रामबाण इलाज है। इसके अलावा जिनके गुर्दे कमजोर हो गए हैं उनके लिए भी हींग का पानी एक बेहतरीन घरेलू उपाय है। ये धीरे धीरे गुर्दे को खराब करने वाले जो संक्रमण होता है उसको काट देता है और मूत्र मार्ग से बाहर कर देता है। मजबूत हड्डियों के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हींग का पानी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसे पीने से सांस संबंधी बीमारियों का भी खात्मा हो जाता है। हर रोज हींग का पानी पीने से शरीर में पानी की कमी भी नहीं रहती। दांतों में अगर कीड़ा लग गया है तब आपने इसका पानी पीना है। दांतों में कीड़ा लग जाने पर हर रोज आपने हल्के गुनगुने पानी में चुटकी भर हींग मिला लेना है और उसका सेवन करना है सुबह खाली पेट। ऐसा करने से जो दांतों के कीड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे और दांत दर्द से भी छुटकारा मिल जाएगा। दांत और खुजली से राहत पाने के लिए भी आप इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर शरीर में कहीं दांत हो गया है, खाज या खुजली जैसे चर्म रोग हो गए हैं तब आपने हींग का प्रयोग करना है। चर्म रोग होने पर हींग को पानी में घिसकर उस जगह लगाने से भी आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, हींग को एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। इसके पानी को यदि आप पीते हैं तो शरीर के कई संक्रमणों का खात्मा हो जाता है और इससे शरीर की कमजोरी है वो भी दूर हो जाती है। अगर स्वाद के लिए आप इसमें शहद भी मिलाना चाहते हैं तो वो मिला सकते हैं। अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो आपने तिल के तेल में हींग को गर्म करके उस तेल की 1-2 बूंद कान में लगा लें। इससे कान का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। वजन घटाने के लिए दोस्तों आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हींग के पानी से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे शरीर पर अतिरिक्त फैट नहीं जमा होता। इससे पीरियड्स के दर्द से भी आराम मिलता है। खाली पेट हींग का पानी पीने से सेहत ठीक रहती है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तब आपने इसका पानी पीना है क्योंकि ये शुगर को रोकने में हमारी काफी हेल्प करता है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि हींग का पानी आपने कैसे बनाना है। हींग का पानी बनाने के लिए आपने 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 1 चुटकी हींग की मिलानी है। इसे अच्छी तरह से मिलाकर आपने इसका सुबह खाली पेट सेवन करना है। दोस्तों, या तो आप पानी को हल्का गर्म भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी में भी आप इसको घोलकर ले सकते हैं या फिर पानी में उबालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं या आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। हींग के पानी में आप शहद भी मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन तरीकों से आपने हींग का सेवन करना है। और दोस्तों, इस बात का
हमेशा ध्यान रखना है, आपने ज्यादा मात्रा में हींग का सेवन नहीं करना, क्योंकि अति किसी भी चीज की बुरी होती है, वो फायदे की जगह नुकसान ही करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।